दोस्तों आज के समय में इंडिया के काफी फार्मर्स विदेशों में जाकर फार्मिंग करते हैं और इसके बदले उन्हें फार्मिंग करने के लिए काफी सारे अच्छे पैसे मिलते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही बेस्ट कंट्रीज के बारे में जहां पर आपको फार्मिंग करने के लिए सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। ये सभी कंट्रीज अपने क्लाइमेट, एग्रीकल्चर पॉलिसी और लैंड अवेलेबिलिटी की वजह से काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी बेस्ट कंट्रीज इसके बारे में जो आपके लिए काफी बेस्ट हो सकती हैं। नंबर 8, ब्राजील। दोस्तों ब्राजील कंट्री के अंदर आपको काफी ब्यूटीफुल क्लाइमेट देखने को मिलेगा और जो कि फार्मिंग करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तभी तो इस देश के अंदर काफी बड़े पैमाने पर फार्मिंग की जाती है और ज्यादातर इंडियन फार्मर्स इस देश के अंदर कॉफी की फार्मिंग करने के लिए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ज्यादातर फार्मर लाइव स्टॉक की फार्मिंग करते हैं। ब्राजील कंट्री के अंदर आज के समय में इंडियन फार्मर्स को फार्मिंग करने के लिए करीब $40,000 हर साल दिए जाते हैं, जिसकी कीमत इंडियन करेंसी में करीब 33,18,828 रुपए से भी ज्यादा होती है और काफी ज्यादा पैसे इंडियन फार्मर्स इस कंट्री से कमाते हैं। नंबर 7, अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका के अंदर आने वाली अर्जेंटीना कंट्री आज के समय में काफी पॉपुलर फार्मिंग लोकेशन के रूप में देखी जाती है और आज के समय में यहाँ पर दुनिया भर से काफी ज्यादा फार्मर्स खेती करने के लिए आते हैं और जिसके बदले उन्हें इस कंट्री में फार्मिंग करने के लिए काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। इस देश को इसके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए भी जाना जाता है और जो लोग यहाँ पर खेती करने के लिए जाते हैं उन्हें सैलरी के रूप में यहाँ पर हर साल करीब $45,000 मिलते हैं और जिसकी कीमत इंडियन करेंसी में करीब 37,34,190 रुपए के बराबर होती है। अर्जेंटीना कंट्री के अंदर बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। यहाँ पर ज्यादातर सोयाबीन और कॉर्न की खेती की जाती है। नंबर 6, नीदरलैंड। यूरोप में आने वाली नीदरलैंड कंट्री भी फार्मर्स के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। इस कंट्री में आने वाली खेती काफी डाइवर्सिफाइड होती है और यहाँ पर फार्मिंग करने वाले फार्मर्स को हर साल करीब $60,000 सैलरी के रूप में दी जाते हैं, जिसे आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो करीब 49 लाख से भी ज्यादा की रकम बनती है और यहाँ पर ज्यादातर लोग ग्रीन हाउस कल्टीवेशन करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो फार्मर्स डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं यहाँ पर ये देश उनके लिए काफी अच्छा माना जाता है। नंबर 5, जर्मनी। जर्मनी देश अपने टेक्निकल एनवायरमेंटल के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पर आज के समय में काफी मॉडर्न तरीके से फार्मिंग की जाती है और यहाँ के फार्मर्स करीब $55,000 हर साल कमा लेते हैं, जिसे अगर भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो यह रकम करीब 45 लाख रुपए के बराबर बनती है। यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में फ्रूट्स और सब्जियों को उगाया जाता है, तो जो लोग इन सेक्टर्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये कंट्री काफी बेस्ट मानी जाती है। नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर इंडियन फार्मर्स को काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में सैलरी दी जाती है और यहाँ पर एवरेज फार्मर्स करीब हर साल $50,000 सैलरी के रूप में कमाते हैं, जिसकी कीमत इंडियन करेंसी में करीब 41 लाख रुपए से ज्यादा बनती है। आज के समय में यूरोपियन मार्केट को फार्मिंग करने के लिए काफी बेस्ट माना जाता है और वर्तमान समय में यहाँ पर फल, सब्जियाँ और गेहूँ, मक्का आदि की खेती को काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। नंबर 3, न्यूजीलैंड। ये देश अपने हाई क्वालिटी फार्मिंग प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है और इसे दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। आज के समय में न्यूजीलैंड देश अपने डेयरी प्रोडक्ट्स, सीप मीट और कीवी फल के लिए काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ज्यादातर फार्मर्स इसी की फार्मिंग करने के लिए इस देश में जाते हैं और जिसके बदले में उन्हें काफी अच्छे पैसे इस देश में मिलते हैं। यहाँ पर ज्यादातर इंडियन फार्मर्स मॉडर्न फार्मिंग का तरीका यूज करते हुए काफी बढ़िया पैसे कमाते हैं। न्यूजीलैंड देश आज के समय में इंडियन फार्मर्स को हर साल करीब $55,000 से भी ज्यादा पैसे सैलरी के रूप में देता है। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश को इंडियन फार्मर्स के लिए काफी परफेक्ट देश माना जाता है। यहाँ पर इंडियन फार्मर्स हर साल करीब $50,000 कमाते हैं, जिसे अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो करीब 41 लाख से भी ज्यादा की रकम तैयार होती है। तो जो लोग भी इस हाई सैलरी वाली कंट्री में जाकर फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑस्ट्रेलिया देश काफी अच्छा देश माना जाता है। यहाँ पर ज्यादातर फार्मर्स गेहूँ, ज्वार, मक्का और फल सब्जियों की आदि फसलें उगा
बताते हैं। नंबर वन, कनाडा। आज के समय में इस देश के अंदर काफी लार्ज स्केल पर फार्मिंग की जाती है। काफी सारे फार्मर्स यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके काफी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और इस देश के अंदर वे करीब हर साल $45,000 जैसी रकम को बड़े ही आसानी से कमा लेते हैं, जो कि भारतीय रुपयों में करीब 37 लाख के ऊपर होते हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी एक स्टेबल इकोनॉमिक कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं, वे लोग इन देशों में जा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी कंट्री बेस्ट लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ।